हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 4। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का सेक्शन है ये, और चैप्टर है 16 परम्यूटेशन फ्रॉम बुक्स मैथमेटिक्स बाय आरडी शर्मा, क्लास 11 वॉल्यूम 1 का ये प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 4 है। तो क्या दिया है, फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। तो ये अच्छी बात है, विथ और विदाउट मीनिंग। तो अगर मीनिंग दिया होता तो हमको डिक्शनरी का सहारा लेना होता, क्योंकि भाई बहुत सारे डिक्शनरी में बहुत सारे आपको पता नहीं चलेगा कि ये इसका मीनिंग है या नहीं है। तो ऐसे नंबर को थोड़ा इग्नोर कर छोड़ देना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं तो छोड़ देता हूँ। तो आपकी अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो तो इस नंबर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि विदाउट मीनिंग दिया है तो आराम से कर सकते हो। तो विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, मतलब आपको बोला है कि रोज R O S E रोज। तो रोज से आपको 4 ऐसे लेटर वार्ड वार्ड करना है जिसका 4 लेटर होगा। एक वार्ड है 1 2 3 4, ऐसे 4 लेटर यहाँ पे भरना है। किसको लेके, रोज को लेके। तो रोज में जितना लेटर है उसको हम भरेंगे यहाँ पे। तो ऐसे कितना वार्ड हो सकता है 4 लेटर वाला, विथ और विदाउट मीनिंग। तो आपको मीनिंग देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको मैथ दिखाना है, मैथ का जलवा दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो फास्ट दिया है द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मीन्स अगर आप यहाँ पे आर लिखते हो तो यहाँ पे आर नहीं लिख सकते, और यहाँ पे भी आर नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे एस लिखते हो तो यहाँ पे भी एस नहीं होगा। तो ऐसा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये पहले हम कितना वर्ड ले सकते हैं, चारों में से 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो एक वर्ड तो गया काम से, तो नेक्स्ट टाइम पे क्या ले, कितना ले सकते हैं, 3 वर्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट हम कितना, अगर यहाँ पे 2 लेटर चला गया है, हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लेटर, लेट से आर ओ ले लिया, तो यहाँ पे कितना लेटर ले सकते हैं, एस या ई से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ले सकते हैं, और यहाँ पे बस, तो यहाँ पे 3 लेटर ले लिया हमने, 1 2 3, 3 लेटर ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पे कितना लेटर ले सकते हैं, 1 लेटर ले सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। तो हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो यहाँ पे जो वार्ड बनेगा ये चारों लेटर पे लेके बनेगा, ये एक लेटर पे लेके नहीं बनेगा। तो इसको सबको हमको ऐड करना है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो कितना हुआ, 48 हुआ। तो यहाँ पे 48 हुआ। तो अभी क्या है, सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर का आंसर 48 हो गया, और सेकंड नंबर का हम देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे भी ऐसा एक ब्लॉक है 1 2 3 4। तो
यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे तो यहाँ पे भी आर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम कितना वार्ड ले सकते हैं अभी, अभी यहाँ पे आर ओ एस सी पे चार ले सकते हैं, आर बी ओ बी एस बी ई बी। तो हमको फर्क नहीं पड़ता अभी कि कितना लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो सेकंड नंबर स्पेस पे हम कितना भी ले सकते हैं, चार लेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फोर्थ नंबर पे भी चार लेंगे और फाइव नंबर पे भी चार लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ चार ही ऑप्शन ऐसे हैं। तो हम ए नहीं ले सकते, इस वर्ड को ही हम यूज करेंगे ना, तो इसीलिए। और ये भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 16 × 16 करेंगे, 16 × 16, 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 256, 256 हो गया हमारा आंसर। तो फिर भी अगर किसका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।